तो हेलो गाइस, आज हम खेलने वाले हैं पोकेमोन एश ग्रे। तो सबसे पहले ये हमें कंट्रोल्स के बारे में बता रहा है जो कि हमें पता है, तो हम इसे आगे करते हैं। तो यहाँ पे प्रोफेसर ओक आए हैं और वो बता रहे हैं कि तुम ये वर्ल्ड पोकेमोन का है, यहाँ पोकेमोन रहते हैं और यहाँ पे हमें उनके साथ रहना चाहिए। और ये हमें बताएंगे कि अभी उन्हें पोकेमोन में कैच कैसे करते हैं। तो ये पोकेमोन एनिमी है, तो मैं यहाँ पे जो मतलब था पोकेमोन एनिमी का हीरो वो ऐश था उसका नाम, तो मैं भी यहाँ पे ऐश ही रखूँगा इसका नाम। तो अगर आप कोई निकनेम रखना चाहते हैं तो इसका तो रख सकते हैं। तो ऐश के राइवल का नाम गैरी था, तो मैं यहाँ पे ही इसका नाम भी गैरी रखूँगा। तो आगे चलते हैं अभी। सबसे पहले हम उसके रूम में आए हुए हैं, यहाँ पे ये हमें बोल रहा कि अपने कपड़े चेंज कर लो, वो हमने कर दिया और यहाँ पे हम सो जाते हैं। तो ये पल ये भी सपने देख रहा है, हमें बहुत देर हो चुकी है मेरी सबसे। हम यहाँ से चलते हैं। तो ये हमें बोल रहे हैं कि प्रोफेसर ओक वो हमारा वेट कर रहे हैं बाहर, तो हम चलते हैं अभी। तो हम चलते हैं अभी आगे। तो यहाँ कैरी आ चुका है, वो बोल रहा है कि तुम जो प्रोफेसर ओक वो मेरे दादाजी हैं और मुझे मेरा पहला पोकेमोन मिल चुका है पर तुम्हें नहीं मिला, तो हम अभी चलते हैं हमारा पहला पोकेमोन लेने के लिए। हम यहाँ प्रोफेसर ओक से बात करते हैं। तो ये हमें बोल रहे हैं कि तुम यहाँ पर मतलब पोकेमोन ट्रेनिंग के लिए रेडी हो कि नहीं, पर ऐश बोल रहा है कि हाँ मैं रेडी हूँ। हम अगर सबसे पहला पोकेमोन यूज लेंगे चार्मेंडर, लेकिन वो नहीं है पोकेबॉल में, और दूसरा बल्बासोर लेकिन वो भी नहीं है। तो ये लास्ट स्क्वाडल बचा हुआ है, उसे देखते हैं, लेकिन वो भी नहीं है। तो अब हम प्रोफेसर ओक से बात करते हैं। तो ये हमें बोल रहे हैं कि जो सबसे पहले आया था वो ये लेके चला गया, बस अभी एक पोकेमोन बचा है जो इलेक्ट्रिसिटी माउस टाइप पोकेमोन है जिसका नाम पिकाचू है, और उन्होंने ले लिया। बोलते कि हाँ हमें चाहिए, क्योंकि मैं इसका कोई निकनेम तो नहीं रखूँगा, लेकिन आप रखना चाहते हो तो रख सकते हो। तो यहाँ हमें पॉकीडेक्स और पॉकीबॉल मिल चुकी हैं, तो आगे चलते हैं। वो मेरे गुल्लक की तुम अपनी जर्नी करो पिकाचू के साथ शुरू। हम बाहर चलते हैं। तो यहाँ पे ऐश की मोम है और वो बोल रहे हैं कि हमें उन्होंने रनिंग शूज़ दिए हैं और बोल रहे हैं कि अगर तुम बी बटन दबाओगे तो तब भागेगा उससे फास्ट। और यहाँ पे पिकाचू पॉकेबॉल से बाहर निकला, लेकिन वो पॉकेबॉल में जा नहीं रहा। तो हम यहाँ पे अपने कपड़े भी चेंज कर दिए हैं और हम चलते हैं अभी। यहाँ पे एक पोकेमोन है जिसे हमने पिकाचू को निकाला कि उसे पकड़ो, पर वो भाग गया और जो पोकेमोन था वो भी चला गया। बट यहाँ पे वाइल्ड स्पेरो अपीयर हो चुका है जो पिकाचू पर अटैक कर रहा है, लेकिन हमें भी उस पर अटैक करना पड़ेगा जिस पर हमने अटैक किया। लेकिन पिकाचू मेरी बात नहीं मान रहा और हम इस पर अटैक कर रहे हैं, उसने मेरी बात मानी और थंडर शॉक अटैक यूज़ किया। और ये बोल रहे हैं कि वो दूसरे वाले स्पेरोस को भी बुला रहा है, तो हमें भागना पड़ेगा यहाँ से। तो यहाँ एक और स्पेरो आ गई,
हमने सर से अटैक किया पर वो उसने किया नहीं पिकाचू ने, और पिकाचू सोने लग गया यहाँ। पिकाचू सो रहा पर अटैक नहीं करता, उठ गया पर उसने अटैक नहीं किया और अपने आप को हर्ट कर दिया। वो फिर सोने लग गया पिकाचू। लेकिन हम तब भी अटैक करते रहेंगे उसको तो, जब उसकी वो नहीं जाता पिकाचू। पिकाचू उठ गया और उसने थंडर शॉक अटैक यूज किया और पीजीओ को हरा दिया, स्पैरो को सॉरी। और फिर अटैक करेंगे स्पैरो को, लेकिन ये पिकाचू फिर सोने लग गया और उसने उस पर पीक अटैक यूज किया और फिर पिकाचू उठ गया और उसने थंडर शॉक अटैक यूज किया और हम जीत गए। पिकाचू ने थंडर शॉक अटैक यूज किया और हम जीत गए फिर से, और पिकाचू को 6 लेवल हो गया और उसने टेल व्हिप नाम का कोई अटैक सीखा। हम अभी आगे चलते हैं, तो यहाँ मिस्टी और बोल रही है कि मुझे लगता है पिकाचू को बहुत लगी है कि यहाँ पे पोकेमोन सेंटर है, तुम वहाँ जा सकते हो ग्रेडियंट सिटी में। तो मिस्टी बोल रही कि मेरी बाइक है तो तुम वहाँ लेके जा रहे हो, हम आगे जा रहे हैं। तो यहाँ स्पेरो आ चुके हैं जो हम अटैक कर रहे हैं, और पिकाचू पे उसने अटैक किया, लेकिन पिकाचू ने थंडर शॉक अटैक किया उसके ऊपर, और ये जो फोफो निकले ना वो बहुत सही लगता है। तो हम अभी यहाँ पे जाते हैं, तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि तुम थीफ हो पोकेमोन के, मैं बोल रहा हूँ कि नहीं मेरे को पोकेमोन को लगी और मुझे पोकेमोन सेंटर जाना है। तो ये बोल रहे हैं कि हाँ तो यहाँ पर पोकेमोन सेंटर है, तो यहाँ पर तुम अपने पोकेमोन इंजेक्ट जो होते हैं उन्हें हील करा सकते हो। तो ये मिस्टी आ चुकी है कि बोल रही है कि उन्होंने मेरी पूरी बाइसाइकिल तोड़ दी है लाइटनिंग की वजह से, तो वो मैं बोले पिकाचू को हील करते हैं, फिर चलते हैं। तो यहाँ पर 3 रॉकेट आ चुकी है, वो हम पर बोल रही है वहाँ पर नहीं हमसे देना पड़ेगा, लेकिन हम नहीं देने वाले। और हमें बोल रहे और हमें अभी बोल रहे थे तो हम सबसे पहले इसका अटैक यूज करेंगे अपना थंडर शॉक, और उसने यूज़ किया और एगल्स ने वर्ब अटैक कुछ यूज़ किया हम पर, और हमने इस पर थंडर शॉक अटैक यूज़ किया। और हमने फिर इस पर थंडर शॉक अटैक यूज़ किया जिससे ये हार गया, और हमें भी कॉफिन आया इस पर भी हम अटैक यूज करेंगे। और वो हार गया कॉफिन और हम जीत गए। तो 3 रॉकेट यहाँ पे हार चुकी है हमसे और हम जीत चुके हैं हमसे। तो हम जाते हैं और अपना पहले पिकाचू को फिर से हील करते हैं। मुझे लगता है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।